मेरे कारनामों से भरे पड़े कितने अकबर यार, दुनिया चार कदम पीछे, मेरी सोच में साकार इस दुनिया ये बहुत अखीर यार। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय मंसूर फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। अच्छा अभी ना गाना एक जो है, मैं मराठी टाइप का कोई चीज ढूंढ रहा था और बस अभी मैंने कंप्यूटर ऑन किया तो एक सामने ना गाना शो हो रहा था 302 MC गत्ती। भाई जान इसके अंदर जो है ना, मुझे जहां तक लग रहा है कि मे बी कहीं पे जो है, क्योंकि मुझे लोगों की बैकवर्ड जो है स्टोरी नहीं पता, शायद जो है वो गैंगस्टर शिट नहीं था उस सॉन्ग की, कोई जो है वो दी गई है वापस जो है रिपीट दिया गया, क्योंकि इसका जो मैंने इस गाने को सुना था तो इसका म्यूजिक जो था ना अंदर, जो एक बीट चल रही है लाइक पीछे वो ना गैंगस्टर शिट के अंदर भी कुछ जो है इस टाइप का जो चल रहा था। अब जो है कि जो मराठी फैंस है जो देख रहे हैं मुझे, तो वो काइंडली कमेंट कर दे कि मुझे बता दे कि लोगों की आपस में क्या बैटल है या क्या, मैंने रिसर्च नहीं की इन दोनों के उसमें कि इनका आपस में राड़ा क्या चल रहा है। लेकिन ना गाने का म्यूजिक जो था ना वो उससे फील हुआ, तो मैंने कहा शायद बाबा जी कोई आंसर शांसर दिया गया, क्योंकि लैंग्वेज जो है सिंपल सी बात है भाई, मेरे को नहीं समझ आती, अपन सिर्फ वाइब लेने आता है और मराठी लैंग्वेज जो है ना बहुत बहुत स्वीट है, उसको जिस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं ना बीट के साथ, वो बड़ा मजा कर रही होती है, एक ना बड़ा अच्छा टेस्ट फ्लेवर आता है म्यूजिक के साथ हिप हॉप के अंदर। दैट्स वाइज जो है ना मैं आया हूँ इधर और मराठी जो है उसको जो है कल्चर को जो है एंजॉय कर रहा हूँ। तो नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लेना, गाना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही टेक में जाने दें, क्योंकि समझ तो भाई जाना उनको आ नहीं रही, लेकिन म्यूजिक और जो स्टाइल है ना उसकी वाइब उठाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से ट्रांसलेट मिल जाए। लेकिन इसके जो है CC भी ऑन नहीं हो रहे, लाइक जिनको हम कहते हैं सब टाइटल्स, वो भी नहीं चल रहे। तो नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लेना, हेडफोन की आवाज़ ज़्यादा कर लो, मिल के 302 का मजा लेते हैं भाई। ये वाली बीट कह रहा हूँ टोनी, हाँ जी, यू नीड पीपल लाइक मी। भाई उसके एक्सेंट से पता लग रहा है कि कोई सीन है भाई। बहुत ही आइस कोल्ड किस्म का सॉन्ग है भाई। वो उसे ना हाथ के अंदर जो है वो पैटा, आई गेस पंच कहते हैं इसको जो ऊपर वो है भाई, है तो कोई चीज, क्योंकि जिस तरीके से म्यूजिक आ रहा है और एक्सेंट उसका जो बना हुआ ना थोड़ा शार्प सा और लाइक जिस तरह के किसी को फाड़ने फूड़ने के चक्कर के अंदर, वो चीज ना थोड़ी सी उसके म्यूजिक से और उसकी आवाज से फील हो रही है। और ये सैम पाठक का ना वो नहीं था गैंगस्टर शिट, उसका थोड़ा म्यूजिक जो है इसी टाइप का था, या वो इसके बाद जो है मैंने रखा हुआ उसको, क्योंकि मैंने इससे पहले वो सुना है थोड़ा सा, तो उसको प्ले करेंगे, उसका भी थोड़ा सा म्यूजिक इस टाइप का है, ये जो टूणू पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है। लेकिन भाई कोई रोला तो है, अपने को नहीं पता लेकिन फिर भी अपन सुनेगा। ये स्टेज आली जी है ना, भाई भाई बहुत अखीर है बीस। नाटके
I guess he called him chota, maybe. भाई बहुत मजे की बीट है भाई। बहुत अखीर यार। भाई रड़ा है बहुत आखिर भाई बहुत आखिर भाई बहुत आखिर कमाल कर गया भाई। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन बट दिस शिट इज रियली गुड मैन। Really respect for you, man. Really respect for you. For your music, for your beat, for your rhymes, everything, man. It's really good, man. Seriously. Like, music jo tha na, wo beech mein usne koi gangster shit ke baare mein baat ki hai. Lekin usse pehle wo jo thode se jo hai na, Hindi ke andar jo aake the na lyrics, wahan pe game bhai uth gayi hai. Kyunki samajh aayi na yaar, ek cheez samajh aana shuru hui. Lekin wo gangster shit ke baare mein koi baat hui hai, maybe ye usko reply hai Sam Bata ko. Maybe kya ye 100% jo hai Sam Bata ko reply. Really, I really respect for जो है सैम बटा उसके जो है म्यूजिक और जिस तरीके से जो है ना वो स्टार्ट होता है ना वो बड़ा खीर तरीके से बजता है कोई इसमें नहीं। लेकिन हिप हॉप के अंदर भाई ये चलता है एक दूसरे को डिस चलता है एक दूसरे की लेगेसी को जो है टच करते हैं एक दूसरे को जो है हिट किया जाता है ये सिंपल चीज़ है भाई इसमें कोई वो नहीं है। राइट नाउ तीन लोग मैं सुन चुका हूँ तामिल जो है इंडस्ट्री के ठीक है तामिल जो आपका मराठी जो रैपर था एक जो है रॉक्सम था आई गेस इसी तरह कुछ नाम था सैम बाटा दूसरा तीसरा आई गेस ये बंदा ना वही वाली बात है कि दिखने में जो है स्मॉल पैकेट है लेकिन बहुत बड़ा धमाका है भाई जान बहुत बड़ा धमाका है। द वे ही इज जस्ट स्टार्ट द एवरीथिंग बड़े एक्सेंट के साथ बहुत स्टाइल के अंदर ना बंदा आ रहा है फिर वो एक एग्रेशन उसकी ना आवाज़ के अंदर मुझे आना शुरू हो गया था वहाँ से थोड़ा फील हुआ कि भाईजान कोई ना कोई जो है गेम है जिसकी वजह से फिर वो जो म्यूजिक स्टार्टिंग में सुना ना तो मैंने पीछे जो गैंगस्टर शिट जो है पहले रख लिया मैंने कहा उसको मैं एक दफ़ा सुनूंगा क्योंकि उसमें भी यही वाली जो है वो चल रही है और स्टार्ट के अंदर जो उसने टोनी के वाले जो है वर्ड्स चलाए ना कि जो है यू जस्ट पीस ऑफ जो है और वो आप लोगों ने सारों ने सुने होंगे मैं उन वर्ड्स को दोहरा नहीं सकता कि तुम लोग जो है ना एक मेरे जैसा बंदा डिजर्व करते हो जिसकी तरफ पॉइंट करके कहो कि ये बैड गाय है ये वो वाला जो स्टार्ट चलाया ना वो वाकई बहुत खूबसूरत था बीट बहुत खूबसूरत थी आउटस्टैंडिंग मैन सीरियसली बहुत अच्छी उसके बाद जो है मिक्सिंग बहुत अच्छी हुई हुई है ऑडियो बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया गया है एक फ्लो के अंदर जा रहा था ईच एंड एवरीथिंग खास करके वो जो बीट आती थी ना टोनो और फिर उसके बाद बीच में डक 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 वाला सीन था वो बहुत बहुत इंसेन लग रहा था। लेकिन भाई जान थोड़ा सा एक मिनट यार थोड़ा सा मैं चेजा लूंगा भाइयों प्लीज यहाँ पे कहीं पे ना हिंदी के वर्ड यूज यहाँ से ये बहुत अखीर था यार भिक्षण माझी आइटम गैंगस्टर बर्थडे ला देते मला सामान गिफ्ट ओरिजिनल
देखा गैंग, वही कह रहा ना, उसका जो गैंगस्टर शिट वाला वो था ना सीन, वो सारा का सारा गैंगस्टर शिट तो यार तकरीबन बहुत, एक मिनट लेट मी चेक, आई हैव ऑलरेडी ओपन दैट सॉन्ग बिहाइंड, 5 मिनट का था ये, 4 मिनट का रिप्लाई था, वो 5 मिनट का था, वो 5 महीने पहले आया था गैंगस्टर शिट। इसके अंदर भी ना एक चीज जो है देखना कि यहाँ से ना बीट जो है वो सेम टाइप की थी, ये देखो एक मिनट, ये पीछे जो चल रही है ना बीट लाइक सिमिलर ही है, लाइक वी कैन जस्ट से इट कि सिमिलर जो है सीन चल रहा है, बट द थिंग इज के ही डिस्ट्रॉय एवरीथिंग मैन, द वे ही जस्ट लाइक, वही वाली बात है ना, उसकी रॉड से पता लग रहा था, धाड़ने से उसके पता लग रहा था कि भाईजान तपा हुआ है, और रिप्लाई उसने दिया, और गाने का नाम ही बड़ा यार थोड़ा ना शार्प किस्म का, बड़ा डेंजर किस्म का, 302 से हर बंदा भागता है भाई, 302 लाइक आई गेस पाकिस्तान इंडिया इन वाले जो है कानून के अंदर 302 जो है सजाए मौत होती है, तो वो गाने का नाम ही बड़ा जो है अखीर है, बट आई रियली इंजॉय दिस सॉन्ग भाई। सॉरी करता हूँ जो सुन रहा होगा उससे कि 0% अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे थोड़ा सा ही समझ आया, लेकिन वाइब 100% थी, और यही मैं थंबनेल के अंदर भी लिखूंगा, बट मराठी म्यूजिक इट्स आउटस्टैंडिंग मैन, मराठी म्यूजिक का जो रैप स्टार्स जो है ना दे वर्क रियली गुड मैन, बहुत अखीर किस्म का जो है, और बीट्स बहुत अच्छी बना रहे, लाइक एमसी स्टैंड के जब गाने सुनो ना तो उसमें एक वो तबला बजता है, फिर वो वीजे है या वीके है, वीजे आई गेस उसका भी जो है, उसके भी उसमें जो है वो बनता है वो वाले भी जो है गाने, उनके गानों के अंदर भी वो तबला टाइप का बजता है, और ये वाला जो है ना ये बड़ा अच्छा कल्चर है भाई मराठी, सीरियसली आई रियली रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस, बहुत खूबसूरत आप लोगों की लैंग्वेज है, तो काइंडली जो है सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह कल किसी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।